शामली पुलिस ने दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने दो मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। पकड़े गए बदमाशों पर एक टीचर से रंगदारी मांगने का आरोप है। दोनों शातिर बदमाशों ने शामली में एक अध्यापक से 50,000 रुपए की रंगदारी मांगी थी। इतना ही नहीं, बदमाशों ने रंगदारी न देने पर टीचर को जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसकी शिकायत पीड़ित टीचर ने पुलिस से की थी। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी थी। दरअसल मामला आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के मोहल्ला रेल पार का है, जहाँ पर रेल पार निवासी टीचर विजय गुप्ता से अज्ञात दो बदमाशों ने फोन कॉल कर 50,000 रुपए की रंगदारी मांगी थी। अज्ञात दो बदमाशों ने रंगदारी न देने पर अध्यापक को जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिस पर बदमाश रंगदारी वसूलने के लिए शामली पहुंचे और पीड़ित अध्यापक विजय गुप्ता पर रंगदारी देने का दबाव बनाने लगे, जिसकी शिकायत पूर्व में ही विजय गुप्ता ने पुलिस से की थी, जिस पर पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी करते हुए शामली रेलवे स्टेशन से दोनों शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाशों के नाम विकास चौधरी व निखिल गर्ग बताए जा रहे हैं। जब रंगदारी वसूलने की बात बदमाशों से की गई, तो बदमाश निखिल ने बताया कि क्रिकेटर बनने की चाह में रंगदारी मांगने का सिलसिला जारी किया था। वहीं जब इस पूरे मामले में एसपी शामली से बात की गई, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि बदमाशों ने क्रिकेटर बनने के लिए यह कदम उठाया है, क्योंकि बदमाश निखिल के पास पैसों की किल्लत थी, जिसके चलते बदमाशों ने टीचर से रंगदारी मांगी थी। हालांकि बदमाश निखिल दिल्ली में बच्चों को क्रिकेट खेलने की ट्रेनिंग भी देता था। फिलहाल पुलिस ने दोनों शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उनके कब्जे से पुलिस ने दो मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। मेरे नहीं मम्मी सर, मैं दिल्ली कोचिंग करता हूँ, क्रिकेट कोचिंग बच्चों की रहता हूँ। तो अभी 6-7 दिन पहले मेरे फोन का रिकॉर्ड कर लीजिए, मेरे भैया का फोन है, कहने लगा मैं शाम वहाँ दिल्ली आ रहा हूँ तेरे पास। मैं चलो ठीक है, आ जाओ, बात क्या है, कहने फिलहाल यहाँ कुछ काम नहीं, आप ही लगवा दो, ठीक है मैं लगा देता हूँ। तो दिल्ली से यहाँ पे अभी 16 तारीख को मेरे को बच्चा गोद देना था, मेरी बहन ने भी रेट में, तो उनको गारंटर चाहिए था। मैंने कहा चलो भैया को लेकर चलता हूँ, साथ में लेकर आया था। यहाँ पे आने के बाद हमने वहाँ पे मतलब जो भी फॉर्मेलिटीज थी तहसील की वो पूरी कराई। पूरी कराने के बाद फिर शाम को जाने के लिए हम तैयार थे, तो भैया कह रहे चलो एक बार घर की तरफ चलते हैं। अब मुझे अपनी बुआ जी यहाँ भी जाना था, मैंने साथ कार में बैठा हुआ था, जो किराए पर हम कार ले गए थे। तो साथ में जैसे मैंने कहा चलो भैया आप एक काम करो, अपने घर पर रुको, मैं घर पर जाता हूँ और अपने घर से फैमिली को बोल देता हूँ यहाँ पर आ जाओ, उधर आ जाते हैं बाजार में, बाहर खुल जाएगी मेन बाजार में, निकलेगी नहीं, बाहर इतनी भीड़ होती है। तो मैं जैसा उतरा तो वहीं टीम थी, टीम ने मेरे को पकड़ा कि तुम कार से उतरे, मगर सर ना तुम भी उन्हें जाते नहीं सर, मेरे तो मेरे पास मेरा आधार कार्ड वगैरह सब है, मैं तो वहाँ पे एक्चुअली वहाँ जा रहा था। क्या बनना चाहते थे आप? मैं तो क्रिकेट कोचिंग करता हूँ सर, कोचिंग दिलाता हूँ बच्चों के, सिखाता हूँ सर, मैं तो वहाँ पे सब डॉक्यूमेंट लगे हुए सर मेरे। एक कोचिंग में अध्यापक हैं, वो मेरे पास आए थे और उन्होंने अपनी दुख भरी कहानी मुझसे बताई। उन्होंने बताया था कि वो कोचिंग में पढ़ाते हैं और 30-40 हज़ार रुपये प्रतिमाह उनकी इनकम है, और कुछ अपराधी किस्म के लोग हैं जो उनसे रंगदारी मांगते हैं। 2,000-3,000 से लेकर के 10,000 तक वो 6-7 बार दे चुके हैं, और अब बार बार मांगने से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई है और वो आत्महत्या तक करने की फिराक में है। इस तरह की बात हमारे सामने आई थी। मामला मुझे गंभीर लगा था और उनकी इसी फरियाद पे उसको राइटिंग में लेकर के मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। थाना आदर्श मंडी पुलिस ने रिकॉर्ड 24 घंटों के अंदर मोबाइल सर्विलांस के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से रंगदारी मांगने संबंधी 2 मोबाइल भी बरामद हुई है। एक का नाम विकास चौधरी है, एक का नाम निखिल गर्ग है। इन लोगों को आज जेल भेजा जा रहा है, और इस प्रकार से वो कोचिंग में जो पढ़ाते थे उनकी मदद हुई है, उनको न्याय दिलाया जाने का प्रयास किया जा रहा है। सर किसी गैंग से जुड़े हुए थे या कुछ और उद्देश्य था इनका? इनके बारे में पता किया गया तो एक के बारे में ये जानकारी मिली है कि इस पे पहले कभी पत्नी से संबंधित डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा इस पे दर्ज है, होने की बात प्रकाश में आ रही है, उसको चेक किया जा रहा है। और बाकी जो निखिल गर्ग है वो एक क्रिकेटर बनने की तैयारी करता है दिल्ली में, विकास चौधरी ये भी है यहाँ पे, इन दोनों का पूरा गैंग है। इनमें और भी जितने नाम आएंगे उनको जेल भेजा जाएगा, लेकिन फिलहाल यही 2 लोग इस गैंग को संचालित करते थे, और इसमें पूरा भरोसा था कि ये देर सवेर कोई बड़ी वारदात को भी अंजाम देते। इस कारण से पुलिस ने मुस्तैदी के साथ इनको गिरफ्तार करके आज जेल भेज दिया। सर क्रिकेटर बनने की चाह में तो कहीं सर रंगदारी नहीं मांगी, ये कुछ मामला प्रकाश में आया सर? ये हो सकता है पैसों की इनको ज़रूरत थी, और ये लोग इसी तरह से निठल्ले टाइप के लोग हैं, अयाशी में विश्वास रखते हैं। ये सब काम करके ये लोग दिल्ली चले जाते थे और वहाँ अयाशी करते थे, जब पैसे ख़त्म हो जाते थे तो पुनः आते थे यहाँ शामली में और इस तरह की वारदातें करते थे।